हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ जो ऑनलाइन शॉपिंग मैंने की है। ये मैंने मंगवाया है रूबंस का ब्रेसलेट, आप इसे बैंगल्स भी कह सकते हो, ब्रेसलेट भी कह सकते हो या फिर ये कफ भी कह सकते हो हाथों में पहनने वाली। और ये कंपनी है रूबंस का। रूबंस का आप जानते हो बहुत ही अच्छे बैंगल्स आते हैं उसके। रूबंस जो है वो आप अमेजोन पे भी आपको मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा एंड मिंत्रा पे भी मिल जाएगा। बट मैंने ये बहुत दिन से अपने विशलिस्ट में सेव करके रखा था एंड मैंने अचानक से देखा कि फ्लिपकार्ट पे इसका प्राइस बहुत ज्यादा कम हो चुका है, तो ये मैंने फटाफट से वहां से ऑर्डर कर दिया। इसका प्राइस 5500 के रेंज में था, 5000 से ऊपर का ही था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। तो ये एक्चुअली बहुत ज्यादा सेल में चल रही थी उस समय और इसका प्राइस हो गया था 1100 के आसपास, तो मैंने इसे ऑर्डर कर दिया और मुझे ये रिसीव हुआ है। तो इसी का अनबॉक्सिंग मैं आज करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रजाइल हैंडल विथ केयर और ये बहुत ही खूबसूरत आइटम है जो मैंने यहाँ से मंगवाया है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। और बाकी आप ये भी आप देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है ब्रास रूबन का ब्रास कफ। ओके, तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे खोल के इसे दिखाती हूँ कि ये कैसा आया है मेरे पास, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं हमेशा जो भी चीजें इस तरह की चीजें होती हैं वो मंगवाती थी मैं मिंत्रा से। तो ये इस तरह के आइटम्स खास करके मैंने आई गेस कि शायद ये फर्स्ट टाइम ही मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। तो मिंत्रा से तो हमेशा बहुत ही अच्छा सही आता है, तो मैं एक्चुअली अब देखती हूँ कि ये फ्लिपकार्ट से कैसा आया है। और ये इस तरीके से मैंने इसे खोल दिया, तो चलिए देखते हैं। ओके, पैकेजिंग तो काफी लग्जूरियस लग रही है इसकी, आप ये देखिए पैकेजिंग वॉइस बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। यहाँ पे मैं करीब से दिखा देती हूँ आपको, रूबंस फैशन एक्सेसरीज www.rubanaccessories.com। ओके, एंड बिल्कुल पीछे जैसे आपने देखा होगा ना जावेरी पर्ल्स के जिस तरीके से आती है उसी तरीके से इसका भी डब्बा आया है। एंड इस तरीके से जब मैंने इसे खोला, इसका यहाँ पे रूबंस का कार्ड है। ओके, पीछे भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ये आई गेस बिल है, मैं एक बिल चेक करके आपको दिखा देती हूँ बिल का जो एग्जैक्टली प्राइस वगैरह है। ओके, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रूबन का ब्रास कफ और यहाँ प्राइस उसका दिया हुआ है 1148 रुपीज। तो चलिए ये हो गया इसका बिलिंग एंड जिस तरीके से आया है मैं आपको वो खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ओ माय गॉड, दिस इज अमेजिंग, दिस इज लुकिंग वेरी नाइस, वेरी नाइस। सी, मैं आपको करीब से दिखा रही हूं, ये इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। चलिए देख लेते हैं कि कोई पीस इसका डैमेज तो नहीं है। ये तो बिल्कुल सही है और अब ये वाला भी चेक कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, इस तरीके से इंटैक्ट है ये। यहाँ पे भी इसका स्टिकर लगा रखा है, आप ये देखिए, ये इतना खूबसूरत लग रहा है, ये इतना प्यारा लग रहा है। आप चाहो तो इसे नॉर्मल एज अ बैंगल्स भी आप पहन सकते हो, आप इसे दोनों हाथों में ऐसे डाल सकते हो। अगर आपको चूड़ियों के साथ इसे नहीं पहनना है तो आप इसे सिंगल ही पहन सकते हो। अगर आपको चूड़ियों के साथ पहनना है तो इसे बीच में रख के आगे पीछे चूड़ियां भी डाल सकते हो। आप इसे ट्रेडिशनल वेयर में किसी भी चीज के साथ पहन सकते हो, साड़ी सलवार कमीज किसी भी चीज के साथ एंड शादी ट्रेडिशनल फंक्शंस उसमें से, तो ये इतना अमेजिंग लगेगा, इतना खूबसूरत लगेगा ना। आप ये देखो, इसका प्राइस बहुत ज्यादा था बट मैंने डिस्काउंट में लिया है ये एंड ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। इसमें तीन साइजेस थे, 2.4, 2.6 एंड 2.8, तो मैंने ये 2.6 लिया है अपने लिए। ये यहां से इस तरीके से गोल गोल घुमाने से खुलता है
अभी थोड़ा टाइट फिटिंग है एंड प्लीज मुझे काटना भी पड़ेगा उसे। ये इस तरीके से खुलेगा, वन मिनट। तो फ्रेंड्स ये मैंने पहन लिया है और आप मुझे बताइए ये कैसा लग रहा है। ये मैंने अभी ये मैं हाथ में लिया है, मैंने एक पीस और एक पीस मैंने यहाँ पे पहन लिया है। आप इसे देख के बताइए ये कैसा लग रहा है। मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एंटीक टाइप पीस लग रहा है शादी फंक्शन के लिए। तो डियर अभी मैंने एक चीज यहाँ पे नोटिस की आप लोगों को दिखाते हुए, आप ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे इसका एक ये एडी इसका निकला हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे है ना, ये इस वाले का एक एडी निकला हुआ है। अभी जस्ट आप लोगों को दिखाते हुए मैंने ये नोटिस किया क्योंकि आप लोग के सामने ही मैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, तो ये चीज अभी तुरंत मैंने नोटिस किया। तो ये वैसे तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है लेकिन इसका एक चीज डैमेज मुझे नजर आया। अब एक्चुअली मुझे नहीं पता कि मुझे ये कैसे वापस करना होगा क्योंकि मैंने पहनने के लिए इसे निकाल दिया था इसका टैग। तो चलिए देखते हैं बाकी क्या कर सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, ये वाला जो है इसमें एक पीस निकला हुआ है। तो ये था मेरा वीडियो, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा एंड अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।